सो अस्सलाम वालेकुम गाइस, फाइनली वी आर बैक विद अन अदर व्लॉग। सो गाइस, अभी का सीन ऐसा है कि आज हम लोगों ने तकाफ में बैठना है। हमसे मुराद वारिस भी है और मैं भी हूँ, हम दो लोग हैं, ठीक है। अभी का सीन ऐसा है, जो अभी भी करंट सिचुएशन है, कि मैंने जाना है ज़रा बाल सेट करवाने और बियर्ड थोड़ी सी, क्योंकि मम्मा से इसके बेटा लड़का बन जाओ, मर्द का बच्चा इतना बड़ा नहीं बनना। आप लोगों को भी मैं देखने में 22, 24, 25 का लगता हूँ, बट इतनी मेरी एज नहीं है, मैं खुद अपनी एज से ज़्यादा बड़ा लगता हूँ। तो अभी ऐसा है कि ज़रा थोड़ा सा ना खुद को ट्रांसफॉर्म करना है, मेनटेन करना है, ठीक है। तो आज जो भी चलते हैं और आप लोगों को मैं एक शख्सियत से भी मिलवाऊँगा, शख्सियत से मुराद जो कि यंग एज में अपना खुद का काम करता है, मोहताजी नहीं किसी की, मेहनत करता है। और मेहनत करना बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि कारोबार में बरकत है। और ऐसे लोग लिटरली मेरा दिल से विश होती है कि मैं ऐसे लोगों से मिलूं जो कि मेरे जितने, मुझे बेशक थोड़े से बड़े हो जाएं, छोटे हो जाएं, लेकिन अपना काम खुद करते हों, इंडिपेंडेंट हों, किसी और के ऊपर ना डिपेंड करते हों कि भाई वही चलाएगा। तो अभी आज चलते हैं और मैं आप लोगों को दिखाऊँगा भी, मिलवाऊँगा भी इंशाल्लाह। और आप लोग खुद देखना, वो देखने में मुझसे भी छोटा लगता है, लेकिन स्टिल वो एज में एज फैलो ही है, कह सकते हो। वल्लाह वालों पूछते हैं ना उसकी एज क्या है, वो अपना कारोबार खुद करता है, किसी पे डिपेंड नहीं है। और कारोबार में बरकत है, ये चीज़ हमेशा याद रखो। तो किसी भी चीज़ में यार शर्म नहीं होती, ठीक है, शर्म नहीं करनी चाहिए, हक हलाल कमाना चाहिए, बेशक से वो छोटा हो। मैंने भी जब शुरू किया था, मैं अपनी भी लाइफ जर्नी कभी बताऊंगा इंशाल्लाह, लेकिन अभी स्टिल ऐसा है कि हम लोग जा रहे हैं उसी से, क्योंकि पहले यार मैं बहुत एक्सपेंसिव भी करवाता रहा हूँ, दूसरे भी करवाता रहा हूँ, तो ना वो बात नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी बड़े बड़े अंकल टाइप लोग हैं, उनके लिए तो उनका काम है, बीवी बच्चे ये वो भी छोटा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, यंग लड़का है और उसने अपना कारोबार किया हुआ है। तो मेरी कोशिश है कि मैं उसी को सपोर्ट करूँ और मैं उसी के पास जाऊंगा। तो आज चलते हैं और आप लोगों को भी मिलवाते हैं और आज चलें। गाइस, अभी मैं फ्री हो गया हूँ, अभी वारिस साहब आके बैठ गए हैं। अदनान भी, अभी आपने कटिंग के बाद अपना पूरा इंट्रो देना है, ठीक है, अपनी जर्नी थोड़ी सी बतानी है कि कैसे आपने ये स्टार्ट किया A to Z। टाइम है शॉर्ट, हमने बैठना है तकाफ में, पर मुश्किल 20 मिनट हैं, जल्दी से इसको फारिग करो, टोरा कराओ फिर ये है कि हमने बैठना है। और मेरी लुक चेंज हो गई है, बाकी बच्चा लग रहा हूँ यार पहले अंकल लगते हैं। नहीं, पहले लगता था 24 साल का होऊंगा, लेकिन अब वाकई सही लड़का लग रहा हूँ। हाँ, सारे हर बंदा कहता है कि मैं बड़ा हूँ एज में, लेकिन किसी को भी नहीं पता ये मुझसे बड़ा है। कितने महीने बड़ा वारिस? 5 महीने। हाँ, 5 महीने। और देखने मैं इसे कितना बड़ा लगता हूँ? आप 5 साल आप बड़े लगते हो, सुन लिया इधर देखियो 5 साल अंकल ठीक है, बैठ जाओ। नहीं, अब तो कम लगूंगा, अब तो कटिंग वगैरह हो गई, दाढ़ी बन गई, अब मुश्किल 2-1 साल का फर्क लगेगा। क्या कितों स्टार्ट कितने आते, क्या लाइफ जर्नी आई, यार मुझे जितनी आती है मैं उतनी बोलूंगा ना। हाँ जी सही, दसो नाम तो दसो, नाम अपना पूरा दसो, किवें तुसा स्टार्ट कीते? बाय स्टाइलिश बजन, मम्मी डैडी बच्चे सारे मुर्तियां तो मनाई बन गई। अडस यार, मैंने मोहब्बत दे सारे बुला आए। अच्छा जी, बस जी अल्लाह का शुक्र है। स्टार्ट कैसे किया? 2021-22 कैसे? मैंने 2019 में। अच्छा, 2019 में। 2019 में दुकान बनाई थी या सीखा था? सीखा था, स्टार्ट के बाद, यानी के अच्छा मतलब 5 साल का तजर्बा है। दुकान को कितना टाइम हो गया है? दुकान को माशाल्लाह 2 साल। ठीक, एक अंदाजे के मुताबिक
कितना एक कमा लेते हैं अंदाजे के मुताबिक, एग्जैक्ट नहीं बताना। अंदाजा नहीं, नहीं एक अंदाजा के तीन चार पाँच। हमारी होती है अच्छा, लगा कभी ना लगा, फिर भी एक अंदाजे के मुताबिक घर का सिस्टम चल रहा था। अच्छा चलो माशाल्लाह, पूरे घर का सर्कल ये भाई चला रहे हैं। चलो यार माशाल्लाह। अच्छा ये बताओ, एक आम नौकरी करने वाले बंदे से ज्यादा बच जाता है या फिर कम? एक अंदाजे के मुताबिक अगर किसी की 15-20 हज़ार तनख्वाह हो तो ज्यादा बन जाता है या कम, या उसके जितना ही? जितना है। तो 9 से 12 तो जॉब नहीं करनी पड़ती कोई? नहीं। या 9 से 5? नहीं। कोई ऐसा तो नहीं जो आपके ऊपर ऑर्डर चलाता हो आपको? ना, ना, शुक्र अल्लाह ये चलाते हैं, मतलब हम चलाते हैं। अच्छा शागिर्दों पर। चलो माशा।